bismillah rahman assalamu to all the students i hope that you all are fine today in this video we will do language exercises of unit number 5 so take out your books and open page number 23 exercise number a is underline the word that does not belong so here we have some sentences and in these sentences we have one word which does not belong to the sentence सो वी हैव टू पिक आउट दैट वर्ड एंड अंडरलाइन हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंसेस में कोई एक वर्ड ऐसा है जो इन सेंटेंसेस का हिस्सा नहीं है जो इन सेंटेंसेस को बिलोंग नहीं करता हमने वो वर्ड जो है वो पिक करना है और उसको अंडरलाइन करना है हेयर दे हैव गिवन एस एग्जाम्पल द फार्मर हैज़ अ शिप शीप किसान के पास कश्ती है या शीप है तो किसान के पास क्या होगा कश्तियाँ या फिर शीप भेड़ येस द फार्मर हैज़ अ शीप शिप इज अ रॉन्ग वर्ड शिप डज नॉट बिलोंग टू दिस सेंटेंस सो हेयर वी हैव हेयर दे हैव अंडरलाइन दिस वर्ड शीप नाउ सेंटेंस नंबर वन इज द काउ गिव्स अस मनी मिल्क काओ गाय मनी पैसे मिल्क दूध सो so, गाय हमें पैसे देती है या दूध देती है येस काओ गिव्स अस मिल्क सो हेयर मनी इज अ रॉन्ग वर्ड हेयर सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड नंबर टू द शीप गिव्स अस वुल व्स शीप हमें क्या देती है वुल देती है वुल मतलब ऊन वॉम्स कीड़े सो शीप गिव्स अस वुल सो वॉम्स इज अ रॉन्ग वर्ड द हॉर्स हैज अ लॉन्ग टेल स्नेल हॉर्स की लंबी क्या होती है टेल होती है ठीक है सो हेयर स्नेल इज अ रॉन्ग वर्ड वी हैव टू अंडरलाइन दिस स्नेल नंबर फोर आई लाइक टू ड्रिंक वेस्ट वाटर आई लाइक टू ड्रिंक वाटर मुझे पानी पीना अच्छा लगता है वेस्प इज़ अ रॉन्ग वर्ड हेयर नंबर फाइव आई थिंक ब्लिंक द डॉग इज नाइस ब्लिंक मीन्स झपकना ठीक है जैसे हम कहते हैं ना ब्लिंक योर आईज अपनी आंखें झपके तो हेयर ब्लिंक यहाँ पर ये वर्ड जो है वो यहाँ पे मैच नहीं करता है ठीक है सो आई थिंक द डॉग इज़ नाइस सो ब्लिंक इज नॉट अ सूटेबल वर्ड हेयर लास्ट वर्ड इज़ द टेलीविज़न इज़ ब्रोकन स्पोकन ब्रोकन टूट जाना स्पोकन बोलना सो so टेलीविज़न बोल तो नहीं सकता ना सो टेलीविज़न इज़ ब्रोकन so spoken is a wrong word, spoken is unsuitable word so we have to underline this spoken word. now exercise number B is, is it yellow, green, red or white? यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं ठीक है, ठीके? आपने बताना है कि words का color क्या है. number one grass, घाँस जो होती है वो कौन से color की होती हैं?

इट्स अ रेड इन कलर मिल्क दूध दूध कौन से कलर में होता है वाइट कलर में लेटिस लेटिस इज अ वेजिटेबल ठीक है जिसे हम कहते हैं ना सलाद के पत्ते तो वो कौन से कलर के, के होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं ठीक है सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर बी लाइक दिस नाव एक्सरसाइज नंबर सी फॉर्म क्रॉस वर्ड नाउ दिस इज लाइक अ पज़ल ठीक है क्रॉस वर्ड्स पज़ल हैं आपने इन ब्लैंक्स को फर्स्ट कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ल्ड बैंक एंड देन यू हैव टू फिल दिस वन सो फर्स्ट वी सी दैट हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड बैंक शीप फार्मर काउस हैं डंकी ट्रैक्टर शीपडोग शीप डॉग वो जो फार्मर्स के पास जो डॉग्स होते हैं जो आ, खेतों की रखवाली करते हैं उनको शीप डॉग कहते हैं ठीक है नाउ द डैश वर्क्स हार्ड कौन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है सो द फार्मर वर्क्स हार्ड नंबर टू द डैश लेज एग्स कौन सा एनिमल हमें एग्स देता है अंडे कौन सा एनिमल देता है द हैन लेज एग्स डैश अस मिल्क दूध हमें कौन सा एनिमल देता है यस काउज द डैश हेल्प्स द फार्मर अब कौन सा एनिमल फार्मर की हेल्प करता है सो द शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर ठीक है लास्ट डैश आर बेबी शीप शीप के बेबी को हम लैंप बोलते हैं ठीक है लैम्प्स शीप के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लैम्प्स बोलते हैं सो हेयर वी हैव टू राइट लैम्प्स नाउ डाउनवर्ड्स सेंटेंसेस आर द फार्मर ड्राइव्स अ डैश फार्मर क्या ड्राइव करता है ट्रैक्टर द डैश सेज ही हॉ कौन सा एनिमल ही हॉ करता है यस yes, डंकी डंकी जब आवाज़ निकालता है तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है ठीक है द डैश गेव्स अस वुल अब कौन सा एनिमल हमें वुल प्रोवाइड करता है यस yes, शीप the last one is the horse eats some dash horse kya khata hai he theek hai chara khata hai na so hay. now you have all these words here so ab aapne in words ko yahan par लिखना है See यहाँ पर आपको numbering दी हुई है आपने उस number के सामने यहाँ से जो number पे आपने जो वर्ड लिखा है वो आपने यहाँ पर लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन पे है ट्रैक्टर सो so सी नंबर वन यहाँ कहाँ लिखा है सी यहाँ वन तो वन में आपने डाउन वर्ड्स में ट्रैक्टर लिखना है ठीक है नंबर टू हमारे पास क्या है डंकी सो है यू हैव टू राइट डंकी नंबर थ्री वी हैव फार्मर सो नंबर थ्री हमारे पास ये है तो so आपने यहाँ पर फार्मर लिखना है जस्ट लाइक दिस यू हैव टू कम्प्लीट दिस कॉलम मेक श्योर दैट योर वर्क शुड बी नीड एंड योर फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट